दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका ऑस्ट्रो फ्रेंड कुमार सत्यम, स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रूद मेडिटेशन में। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा, कुछ ऐसी टिप्स दूंगा कि यदि आपको कुछ नजर, हाय, बद्दुआ या फिर जेलसी, ये चीजें परेशान कर रही है, मतलब कि ऐसी कुछ नेगेटिविटी आपके घर में है, तो आपको समझ में कैसे आएगा, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसको निवारण कैसे करना है, घर से इनको बाहर कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इनके होने से क्या परेशानी आती है। अगर आपको पता करना है, सबसे पहले बिना कोई उपाय किए और पता करना है कि अगर आपके घर साथ में मतलब ये चीज है, कुछ नेगेटिविटी है, किसी की हाय है, किसी की बद्दुआ है या फिर किसी की जेलसी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके साथ में है। तो होगा ये दोस्तों कि आप लोग खुद से नोटिस करिएगा कि कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि अचानक से ही, पहले तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं थी घर में, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बिखर गया, मतलब कि या तो फिर कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए हैं या घर में लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। पहले प्रेम संबंध बहुत अच्छे थे घर में सभी सदस्यों के, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बिगड़ गया, तो इसका मतलब है या तो कुछ तंत्र मंत्र है, जादू है, टोना है, या फिर किसी ने कुछ किया है, या फिर किसी की हाय या नजर या बद्दुआ है। तो आपको इनको कैसे पता करना है, सबसे पहले उपाय इनके उपाय करने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको पता कैसे करना है, आपको इसी का प्रूफ मिल जाएगा कि अगर कुछ है तो वो चीज आपके सामने आ जाएगी। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक कांच के गिलास की, ठीक है, कांच का गिलास आपको लेना है, कोई कलर में नहीं लेना है आपको, एक कांच का गिलास लिया आपने, उसमें आपको ये उपाय आपको करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि करने का जो टाइम होगा ये आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है, यानी कि 7 बजे के बाद में कभी भी कर सकते हैं या जब सोने जाने लगे हैं तब भी कर सकते हैं उसे, और शनिवार की रात में या फिर रविवार, सैटरडे, संडे या फिर वेडनेसडे, इन तीनों दिन के अलावा और कोई दिन भी ना करें। करने को तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इन तीन दिनों में जो ये शक्तियां होती है ना, ये बहुत एक्टिव होती है और बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट मिलता है, मतलब कि फेल होने के कोई चांस नहीं रहते, इसलिए इन तीन दिनों को मैं कह रहा हूं। तो रात में करेंगे, ये बात मैं आपको समझा दिया है, और आपको सैटरडे, संडे या फिर वेडनेसडे, यानी कि शनिवार, रविवार या बुधवार, इन तीन दिनों में करना है। करना क्या है, एक ग्लास पानी लेना है, साफ पानी ले लें, इसमें आपको लेना है सी सॉल्ट ले सकते हैं, या फिर आप जो डिगले वाला नमक होता है सी सॉल्ट वो ले सकते हैं, या काला नमक ले लें और या फिर सेंधा नमक ले लें, इनमें से और कोई नमक यूज नहीं करेंगे। तो आपको ये जो है, सबसे पहले बता रहा हूं कि आपको घर की नेगेटिविटी देखनी है कि घर में किसी की हाय है, बद्दुआ है, नजर है या दोष है, तो ये इसके लिए कैसे यूज करना है, तो उसमें ये पानी डाल करके, और आपको क्या करना है, घर के पूरे कोनों में आपको जैसे अपने ये गिलास लिया वो चीज भर के और ऐसे घुमाते हुए, आप चाहे जैसे भी क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, जैसे भी आपको मन करता है, पूरे घर में धीरे धीरे घुमाते हुए पूरे घर में आपको ये गिलास आपको लेकर के जाना है। ये कर लिया आपने, आप इसको कहीं भी घर के कोई भी कोने में जो आपको सही लगता है, कोई दिशा निर्धारित नहीं है, किसी भी घर के कोने में रख दीजिए। रखने के बाद में आपको क्या करना है, इसको रात भर आप रखे रहने देंगे, अब उसका आपको एक चीज नोटिस करनी है कि पानी का कलर देखना है आपको। नॉर्मली जो थोड़ा बहुत तो नमक का कलर आएगा पानी में, लेकिन आपको लगे कि हद से ज्यादा कलर इसका कुछ गलत नजर आ रहा है, कुछ ब्राउनी कलर हो गया है, जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है, तो आप समझ जाइए कि घर में कुछ तंत्र है, मंत्र है, कुछ नेगेटिविटी है या किसी की नजर है या फिर हाय है, बद्दुआ है। अब यही चीज आपको क्या करना है, घर के किसी सदस्य के लिए आपको चेक करनी है, घर के किसी सदस्य पे कुछ किसी की नजर है या किसी की बद्दुआ है या कुछ तंत्र मंत्र है, तो यही प्रयोग आप क्या करेंगे, आपको जहां जहां पे जो भी सदस्य के लिए कर रहे हैं वो सोता है, तो बिल्कुल यही चीज, यही नमक लेंगे, ये ऐसे ग्लास लेंगे, पानी भरेंगे, और सोने के जहां अगर बेड पे सो रहे हैं तो नीचे बेड के नीचे आप रख दीजिए, दिख रहा है नहीं दिख रहा उससे मतलब नहीं है, या फिर आप नीचे सो रहे हैं, जमीन पर सोते हैं तो सिरहाने रख दीजिए, बस इतना करना है आपको। दूसरे दिन देखिए उसका कलर क्या हो रहा है, अगर उसमें ऐसा कुछ कलर चेंज आ रहा है जैसे कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है, तो समझ जाइए कि कुछ चीज है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे यदि किसी के लिए कर रहे हैं सदस्य के लिए वो घर में नहीं है, तो आप उनकी फोटो में भी कर सकते हैं चेक करने के लिए, आप फोटो में 7 बार घुमा दीजिए, घुमाने के बाद में पानी को वैसे रख दीजिए। अब किसी के पास में फोटो नहीं है तो नाम से भी कर सकते हैं, मन में उसका ध्यान करिए, तस्वीर भी याद करिए,
हवा में उसको ध्यान करते हुए घुमा लीजिए, पानी को वैसा रख दीजिए, बस आपको एनर्जी कनेक्ट करनी है उन चीजों की जिसके लिए आप कर रहे हैं, उसको फील करना है, वो भी यहां पे समझ में आ जाएगा। अगर कुछ होगा तो पानी को रख देंगे और पानी में ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिविटी आ रही है, कुछ कलर चेंज है, तो अब इन सब चीज के लिए एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, आपको लेनी है 11 लौंग लेनी है। 11 लौंग लेंगे आप फूल वाली अखंडित, जिसमें फूल होंगे, ठीक है, सीधे हाथ में इनको रखेंगे। अब इसका जो टोटका ये कर रहे हैं नजर दोष हाय बद्दुआ को दूर करने का, तो इसको आपको करना है सिर्फ रविवार को या बुधवार को, यानी कि संडे एंड वेडनेसडे, सैटरडे को नहीं करना है। इनको आप लेंगे सीधी मुट्ठी में। अब घर का जो आपको कोना सबसे मेन डोर से जो कोना स्टार्ट होता है वहां से आपको स्टार्ट करना है। आप बस ऐसे घुमाते जाएंगे और मन में ये सोचते जाएंगे, थोड़ा सा फील करते जाएंगे और बोलते जाएंगे कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जिसकी भी हाय है, जिसकी बद्दुआ है, वो सब इसमें समा जाए। और ऐसे करते हुए पूरे घर में, पूरी दीवार से कोनों से लेके पूरे घर में, दीवार पूरे घर में आपको घुमा देना है। जहां से आपने शुरू किया था घुमाते घुमाते आपको वहीं पर आकर के एंड कर देना है, हाथ वहां रख देना है एक सेकंड के लिए। और आपको ये फील करना है भगवान का नाम लेते हुए, अपने कुल देवता को याद करके, अपने ईष्ट देवता को याद करके, कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा जिसकी हाय है, बद्दुआ है, वो सारी इसमें समा जाए, ये आपको करना है। और फिर बाद में कुछ बर्तन लेंगे आप, बर्तन में जो कपूर होता है, कपूर आपको आपके घर का जो मेन डोर होगा, जो मेन जहां से एंटर होते हैं, वहां पर आपको उसको रख करके कपूर जला करके, और आपको पूरी श्रद्धा भाव के साथ में, विश्वास के साथ में, अपने कुल देवता और अपने ईष्ट देवता पर, कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसमें जल करके भस्म हो गई, आपके घर से पूरी जो नेगेटिविटी है वो इसमें जल चुकी है, इतना कर दीजिए बस। अब यही प्रयोग यदि आप किसी सदस्य के लिए आपको आता है, घर का कोई बीमार है परेशान, जिसके लिए आपने चेक किया कि उसके में ये नेगेटिविटी आ रही है, तो इसमें भी सेम क्रिया करना है। उसको आपको क्या करना है, 7 बार उसके सिर से उल्टा या सीधा जो आपको सही लगता है वार दीजिए, उसके क्लॉकवाइज वार दीजिए, और ऐसे ही करके उसको वहां पर मेन चौखट जो होगी वहां पर जला दीजिए। अब ये प्रयोग आप कोई घर का बाहर का आपके घर में सदस्य नहीं है और उसके लिए अगर कुछ निकलता है, ऐसी नेगेटिविटी आ रही है, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, आंख बंद करके उसे फील करते हुए हवा में घुमा करके और उसको मेन चौखट में जला देंगे। बहुत ही कारगर उपाय है दोस्तों, और इसको आप चाहें तो हर महीने में, अगर घर में सब कुछ नॉर्मल है तब भी, घर के अगर आप चाहते हैं कि घर हमेशा सुरक्षित रहे, नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित रहे, तो हर महीने के किसी भी शनिवार, रविवार को, संडे को या वेडनेसडे को इस प्रयोग को दोहराते रहिए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हम लोग जब बाहर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो कौन किस नजर से हमें देख रहा है, कोई अच्छी नजर से देख रहा है, कोई बुरी नजर से देख रहा है, कोई जेलसी से देख रहा है, तो ये एनर्जी जो होती है ये क्या होती है, हमारे ऑरा को टच करती है। अब मैं एक उपाय और बता रहा हूं दोस्तों आपको, कभी आपने फील किया होगा, सोचा होगा कि किसी के पास हम जाते हैं तो उसके साथ पास में हमें खड़े होकर कुछ बहुत पॉजिटिव फील होने लगता है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो होती है पॉजिटिव होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत खुश होते हैं, कोई व्यक्ति हमारे पास में आता है, थोड़ा देर 10 मिनट 20 मिनट खड़ा हो जाता है, तो हमें एकदम से लो फील होने लगता है, तो हमारी जो एनर्जी जो होती है ना वो सोख लिया होता है। तो अपने ऑरा को आप कहीं भी जाए तो सबसे पहले लॉक करके जाए। ऑरा को लॉक करने का एक तरीका जो होता है वो ये है कि आप यहां से शुरू करेंगे और एक अपनी पूरी बॉडी में पैर तक गोला बना देंगे, आप ये फील करेंगे कि मेरा ऑरा लॉक हो चुका है। और एक चीज कर सकते हैं आप कि आपको ये और क्रॉस लगा देना है अपने सामने, तो इससे क्या होता है कि आपका जो ऑरा होता है वो लॉक हो जाता है। जो नेगेटिव एनर्जी होती है ये सिर्फ 24 घंटे काम करता है, तो नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा को कभी भी टच नहीं कर पाएगी। तो घर से जब भी बाहर जाएं तो अपने सिर से पूरा पैर तक ऐसा गोला बना लें और या फिर क्रॉस बना दें। तो क्रॉस बनाने से क्या होता है, ये हमारे ऊपर एक कवच लग जाता है जो नेगेटिव एनर्जी को अंदर आने से हमारे ऑरा में रोकता है, और लोगों की जो हाय होती है, नजर होती है, बद्दुआ होती है, वो हमें टच नहीं कर पाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।